हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरी वॉकर। सो आज की ये वीडियो होने वाली है कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। यस, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 प्लेसेस जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे अजमेर राजस्थान में। स्टार्ट करते हैं पहले हम पुष्कर से, जो कि पुष्कर की हिप्पी मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट या फिर फॉरनर्स आते हैं स्पेशली इस मार्केट को एक्सप्लोर करने। देन कम्स द अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि बहुत फेमस है। अजमेर शरीफ बहुत ही ज़्यादा प्री नोन माना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस दरगाह है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इट्स वर्ल्ड फेमस। एंड यहाँ पे जो भी मान्यता मांगी जाती है बोलते हैं कि वो पूरी होती है, तो इस दरगाह को भी आप अगर अजमेर में हैं तो कवर कर सकते हैं। इस दरगाह को विज़िट करने के लिए एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी, यहाँ पे बोला जाता है कि अपना सामान प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो आपके सामान की चोरी होना की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्पेशली फ़ोन स्नैचिंग यहाँ पे बहुत कॉमन है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे फूलों की चादर चढ़ाई जाती है जिसका कॉस्ट अप्रॉक्स 50 to 100 रुपीज़ होता है। एंड ऑल्सो इस दरगाह को विज़िट करने के लिए आपका सर जो है वो ढका रहना चाहिए, जिसके लिए अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप बाहर से 20-30 रुपये का कपड़ा खरीद सकते हैं, तभी आपको दरगाह में विज़िट करने की परमिशन मिलेगी। अंदर भी मार्केट है, बाहर भी मार्केट है, आपको जो भी चाहिए वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत मान्यता के साथ ही फूलों की चादर लेके अंदर कोई पूजा होती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरीके से फूलों की चादर उठा के जा रहे थे। अजमेर शरीफ से एग्ज़िट लेंगे तो आप यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, अंदर भी शॉप्स हैं एंड बाहर जैसे आप एग्ज़िट लेंगे तो बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे पार्किंग नहीं है तो 2-व्हीलर 4-व्हीलर आपको बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद हम पहुँच गए हैं सोने जी की नसिया, जो कि अजमेर शरीफ के बहुत ही पास है, तो आप किसी से भी डायरेक्शन पूछ के यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ का जो टिकट कॉस्ट है वो है 30 रुपीज़ इंडियन सिटीज़न के लिए, एंड फॉरेन सिटीज़न के लिए प्राइस डिफरेंट होगा। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो यहाँ पे एक राउंड शेप में सर्कल टाइप में अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, जहाँ पे चारों तरफ ग्लास लगा हुआ था और उसी के अंदर यहाँ पे सोने जी की नसियाँ बनाई गई थी। माना जाता है ये जैन टेम्पल के लिए काफ़ी धार्मिक प्लेस है, एंड यहाँ पर पूरा जैन धर्म को बताया गया है इस नसिया के अंदर। बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। इस नसिया को 19th सेंचुरी में बनाया गया था एंड ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, एंड आप इसको जब देखेंगे आपका मन करेगा कि आप बस इसको देखते ही रह जाएं, इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के साथ ये बनाया गया है। एंड यहाँ पे ये पूरा जैन धर्म को ही दिखाया गया है, अलग अलग जैन फिगर्स हैं इस नसिया के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्ड या फिर स्वर्ण नगरी। सोने जी की नसिया के साथ बिल्कुल साथ में ही है जैन टेंपल, दिगंबर जैन टेंपल। यहाँ पे ज़्यादातर जैन की ही एंट्री होती है,
अगर बाई चांस आपको एंट्री मिल जाती है तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। यूजुअली जैन की ही यहाँ पे एंट्री अलाउड है और किसी धर्म को यहाँ पे अंदर अलाउड एंट्री नहीं है। नेक्स्ट आप कवर कर सकते हैं नरेली जैन टेम्पल। ये भी अजमेर से थोड़ी सी दूर जाके है, 1.5 घंटे आपको लग जाएंगे अजमेर से अगर आप विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको या तो ख़ुद के व्हीकल से आपको जाना पड़ेगा या फिर आप यहाँ से कैब बस कर सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा दूर ही उतार देगी नरेली गाँव में। वहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट लेके नरेली जैन टेम्पल को एक्सप्लोर करने जाना पड़ेगा। पहाड़ों के बीच में जैन टेम्पल बिल्कुल अलग सा ही दिख रहा है एंड इसके व्यू पॉइंट्स बहुत सुंदर हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट जिनको जो जैन नहीं है वो इसको व्यूज़ के लिए ही एक्सप्लोर करने जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बारीकी वाला काम करा गया है पत्थरों पर भी, एंड यहाँ पर जो काम करा गया है उसको देखने के लिए ही टूरिस्ट जो है दूर दूर से अजमेर से यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आप कवर कर सकते हैं तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट भी यहाँ पे बहुत फेमस है एंड अजमेर का एक लौता फोर्ट है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। इसको जितना जल्दी आप विज़िट कर ले उतना बेटर है, शाम के टाइम पे इस प्लेस को विज़िट करना सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट यू कैन कवर इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर शरीफ से बहुत पास है। अजमेर शरीफ से ही इसका रास्ता निकलता है, आपको अलग से जाओगे तो काफ़ी दूर पड़ेगा। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको ये विज़िट करना है तो आप वहीं से विज़िट कर लें। यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे ही पैदल के रास्ते पे 2.5 दिन का झोपड़ा आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन है जो कि अब मस्जिद में कन्वर्ट हो चुका है एंड यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं इस झोपड़े को देखने के लिए आया करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आप कवर कर सकते हैं किशनगढ़ का डंपयार्ड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एंड ट्रेंडिंग में आजकल के टाइम पे चल रहा है। इसको स्नोलैंड ऑफ इंडिया कह लो या मिनी मालदीव्स कह लो या फिर इसके बहुत सारे नाम अब अलग अलग दे चुके हैं यहाँ पे, बट ये प्लेस वन टाइम के लिए मस्ट विजिट है। वैसे तो ये डंपयार्ड ऑफ किशनगढ़ है जहाँ पे वाइट मार्बल्स का जो ट्यून्स होता है जो डंप होता है वो यहाँ पे इकट्ठा करा गया है एंड ये अजमेर से थोड़ी सी ही दूरी पे है। सो गाइस नेक्स्ट अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं आना सागर लेक जो कि अजमेर को चारों तरफ से घेर रखी है। ये लेक बहुत सुंदर है एंड यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आके शांति से बैठ सकते हैं और व्यूज़ को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यारे व्यूज़ हैं एंड यहाँ पे एक लेक व्यू रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अपना फूड वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि बिल्कुल लेक के सामने है। आप आराम से बैठ के यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं। रैम पृथ्वीराज स्मारक, ये भी तारागढ़ फोर्ट के नीचे आता है थोड़े से दूर पे अजमेर से भी। यहाँ से दिखता है पुष्कर का अजमेर का फुल व्यू जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आपको दिखाई देंगे एंड बहुत प्यारी जगह है। मैं यहाँ पे रात में पहुँची थी तो ज़्यादा ले नहीं पाई व्यूज़ के शॉट्स, बट वन टाइम विज़िट के लिए फॉर श्योर आपको विज़िट करना चाहिए। सो इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं, गुड बाय। ओ सॉरी यार, एक जगह तो रह गई, ब्रह्मा टेम्पल। येस दिस ब्रह्मा टेम्पल इज़ इन पुष्कर एंड ये ओनली ब्रह्मा टेम्पल है पूरे इंडिया में जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो ये भी मस्ट विज़िट जगह है गाइस। एंड फाइनली वी आर टेकिंग अ गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।